आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 130वीं जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की याद में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन किया और राजघाट पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर पीएम मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर बापू को किया याद। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बापू को दी श्रद्धांजलि। ने ट्वीट करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। शाह ने ट्वीट में लिखा, सत्य अहिंसा और शांति के पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें याद किया। ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। ट्वीट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को की जयंती पर उन्हें कोटिश कोटिश नमन। उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन किया। ट्वीट में लिखा, स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, विश्व को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उन्हें याद किया। ट्वीट में लिखा, सत्य और अहिंसा के पुजारी, भारत की आजादी के नायक महात्मा गांधी जी को नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नमन किया। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, सरलता की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी ईमानदारी और दृढ़ इरादों के कारण सदैव हम सभी के प्रेरणास्रोत रहे। दरियाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने वाली अर्जी खारिज। तीन अक्टूबर से दिल्ली सचिवालय में लॉन्च होगा ग्रीन वॉर रूम। प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा विंटर एक्शन प्लान। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों को नहीं दिया जाएगा तेल। 25 अक्टूबर से फैसला होगा लागू। दिल्ली के नरेला में खास तरह की रामलीला देखने को मिली। आदर्श रामलीला के मंचन पर रावण पुष्पक विमान की जगह चार पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया। दिल्ली के शारदा में भव्य रामलीला सोसाइटी मंचन कर रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी विवेक विहार के मंच पर शिरकत की। गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में पुरानी शराब नीति का एक महीना पूरा हो गया है। एक महीने में 768 करोड़ का राजस्व सरकार को मिला है। सितंबर में फिर लागू की गई थी पुरानी शराब नीति। दिल्ली के एम्स में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचे। उन्होंने देश के तमाम राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। हिंदू परिषद के दिल्ली अध्यक्ष कपिल खन्ना ने पीएफआई पर लगाए गए बैन की तारीफ की और कहा कि प्रभु राम की कृपा से भारत राष्ट्र के पुनरुद्धार पुनर्जागरण का समय आ गया। शाहदरा पुलिस जिला मुख्यालय में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी बुजुर्गों ने पुलिस का धन्यवाद किया। सुबह दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सीएम के साथ जाएगा HSIIDC का डेलीगेशन। डेलीगेशन का निवेश और व्यापार पर होगा फोकस। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गवर्नेंस चैलेंज समिट, सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। युवा प्रतिभागियों को किया गया सम्मान। आदमपुर में बढ़ रहा कांग्रेस का कुंबा, प्रदीप बेनीवाल ने थामा कांग्रेस का दामन। चंडीगढ़ में हुड्डा और उदय खान ने पार्टी में कराया शामिल।
राज्यसभा की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का फैसला, 48 घंटे में किसानों को मिलेगा फसल का भुगतान, पहले 72 घंटे में होता था फसल का भुगतान। हरियाणा में एक तरफ जहां खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो गई है, वहीं सिरसा की अनाज मंडी में तीसरे दिन भी मजदूरों की हड़ताल जारी रही, मजदूरी कम मिलने के विरोध में हड़ताल पर बैठे हुए हैं मजदूर। भिवानी में भी खरीफ फसलों की खरीद जारी है, किसानों के मुताबिक खेतों में पहले की तुलना में लागत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में सरकार को फसलों के उचित दाम देने चाहिए। यमुनानगर में जहां बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं धान की फसल में भिवानी के किसानों की चिंता बढ़ गई है, गर्दन तोड़ नामक बीमारी के प्रकोप से धान की फसल खराब हो रही है। हिसार के बदावड़ गांव में पानी की निकासी न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पानी निकासी के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय में धावा बोला, प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं। रेवाड़ी में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर 10 दिनों में कॉलेज के लिए भवन का इंतजाम नहीं होता है तो वो कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैथल में सड़कों पर उतरे किसान, फ्लाईओवर पर किसानों ने लगाया जाम, धान का मूल्य कम मिलने पर नाराज। रेवाड़ी में भी बाजरे की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, हैफेड और स्टेट वेयर हाउसिंग दो सरकारी एजेंसी बाजरे की खरीद कर रहे हैं, सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार का आयोजन किया, इस दौरान भारी संख्या में फरियादी जनता दरबार में पहुंचे और गृहमंत्री अनिल विज के सामने अपनी समस्याएं रखी, अनिल विज ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। आदमपुर उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दौरा, लोगों से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम, शिक्षा अधिकार पंचायत को करेंगे संबोधित, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता। चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रदूषण पर बढ़ाई सख्ती, पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बढ़ाई सख्ती, सिर्फ CSIR और नीरी से प्रमाणित पटाखों की इजाजत, दिवाली की रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत। पीजीआई के पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने पीजीआई के सभी विभागों के डॉक्टर्स की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। नोएडा की उमेश सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का असर है, श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने रात में फिर से लगाए पेड़, कल नोएडा अथॉरिटी ने हटाया था अवैध अतिक्रमण। दशहरा से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, वजनपुरा मार्केट में दिल्ली पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल। सीलमपुर में हवालात का शिकार हुई 10 साल के बच्चे की मौत, बच्चे के साथ 3 नाबालिगों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। कृष्णानगर इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, पति पत्नी की हुई मौत, फायर ब्रिगेड ने की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस की छापेमारी, 124 पेटी अवैध शराब बरामद, घर की रसोई में सुरंग बनाकर छिपा रखी थी 124 पेटियां। गुरुग्राम में झोला छाप डॉक्टर की नापाक करतूत, मरीज की मौत के बाद शव को सड़क पर फेंका, सीसीटीवी कैमरे में झोला छाप डॉक्टर की करतूत हुई रिकॉर्ड। गाजियाबाद में मां बेटी की बेरहमी से की गई हत्या, फावड़े से काटकर मारा गया, घर के अंदर मिला महिला और 14 साल की बेटी का शव। ग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर एक ऑफिस में भीषण आग लग गई, आग लगने की सूचना के बाद तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घायल लुटेरे को पुलिस ने दबोचा, चोरी की बाइक, मोबाइल, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद।
नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकुल गुप्ता समेत 124 लोगों ने याचिका दायर की थी। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में विवाद इतना जल्द थमने वाला नहीं है। वो स्टे की श्रीकांत टाकी की पत्नी ने एक बार फिर से पेड़ लगाकर विवाद को तूल दे दिया है। हालांकि कोर्ट के स्टे पर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई। पलवल में सीएम फ्लाइंग टीम ने प्लास्टिक गोदाम में छापेमारी की और 4321 किलोग्राम प्लास्टिक को जब्त किया। करीब 11 घंटे तक छापेमारी चली। कैथल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 क्विंटल पनीर से भरी गाड़ी को जब्त किया। फिलहाल ये जांच में साफ होगा कि पनीर असली है या नकली। दिल्ली में ग्राम जल समितियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी के विजन पर होगा प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाने का उद्देश्य। शशि थरूर ने माना कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में वो अंडर डॉग उम्मीदवार। कहा पुरानी कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को चुने, बदलाव चाहिए तो मुझे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को शशि थरूर ने अच्छा फैसला बताया। बोले खड़गे हमारे वरिष्ठ नेता। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पत्नी ने बताई पति की जान। हार्ट अटैक आने पर CPR देकर पति को मौत के मुंह से खींच लाई। RPF जवान ने भी की। राजस्थान के अलवर में 8वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप। अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता से मांगे 2.5 लाख रुपए। आरोपी फरार। 11 अक्टूबर को बिहार जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कांग्रेस ने कहा बिहार में कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं मिलेगा। गुजरात के गांधीधाम में अरविंद केजरीवाल ने की रैली। कहा गुजरात में बदलाव आएगा। दिल्ली मॉडल से गुजरात को फायदा होगा। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने फेंकी पानी की बोतल। केजरीवाल के बगल में गिरी पानी की बोतल। खोडल धाम नवरात्रि में शामिल होने पहुंचे थे सीएम। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड से लोगों में गुस्सा। आज उत्तराखंड के श्रीनगर बंद का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र में आज से सरकारी अधिकारी फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश। अबू आजमी बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोल सकते हैं वंदे मातरम में। राजस्थान में फिर सवालों में महिलाओं की सुरक्षा। जयपुर में 2 लड़कियों पर एसिड से हमला। बाइक सवार हमलावर फरार। मुंबई में ड्रग्स की बड़ी भारी खेप बरामद। DRI ने एक ट्रक से करीब 1500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। कोल्ड स्टोरेज में फलों के डिब्बे में छिपाकर ले जाई जा रही थी ड्रग्स। सेना में अर्जुन वीर की भर्ती दौड़ में कई अभ्यर्थी कर रहे हैं ड्रग्स का इस्तेमाल। आगरा में भर्ती रैली में 115 युवकों ने लिया इंजेक्शन के जरिए स्टेरॉइड। नवी मुंबई में 30 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत ढही। वक्त रहते सभी लोग बाहर निकाले गए। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। कानपुर में सिहालो से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में 27 लोगों की मौत। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कानपुर हादसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया और ट्वीट करते हुए लिखा घाटमपुर कानपुर में हुए दर्दनाक हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कानपुर में बड़ा हादसा। श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी। 27 लोगों की मौत। सीतापुर में डीजल से भरे टैंकर पलटा। आग लगने से 4 लोगों की मौत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज। श्रीलंका को 43 रनों से हराया। जेमिमा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 बॉल पर 76 रन बनाए।
जोधपुर में खेले गए लीजेंड्स लीग के मैच में मणिपाल टाइगर्स की जीत। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप जल्द ही करेंगे सरेंडर। सोशल मीडिया पर दी जानकारी, 17 साल की नाबालिग ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। सुरेश रैना ने मनप्रीत गोनी के साथ की बोटिंग, मस्ती भरे अंदाज में नजर आए पैना। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, भारत में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल को किया गया बैन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा भारत आईटी एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्सपर्ट। इंडोनेशिया के जावा में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में हिंसा के बाद मची भगदड़, 127 लोगों की मौत, अस्पताल में 180 लोग भर्ती। दुबई में एक्सपो सिटी के उद्घाटन के मौके पर शानदार लाइट शो का आयोजन किया गया। दुबई के इस एक्सपो को 2040 के प्लान के मुताबिक तैयार किया गया है। इक्वाडोर जेंडर मार्च में हजारों लोगों ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये विरोध प्रदर्शन पुलिस मुख्यालय के सामने किया। अमेरिकी सेना के नेशनल गार्ड के जवानों ने फ्लोरिडा में मची तबाही पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहां इयान तूफान की चपेट में आए लोगों को राहत सामग्री दी गई। अफगानिस्तान में महिलाओं ने स्कूली छात्रों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने तालिबान सरकार से सुरक्षा की मांग की। ईरान में हुई हिंसक घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। स्पेन के मैड्रिड में भी प्रदर्शनकारी महिला ने अपने बाल काटकर हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून महोत्सव में हवा में हॉट बैलून उड़ाए गए। इस दौरान 600 से ज्यादा हॉट बैलून उड़ाए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैलून इवेंट है। यूक्रेन ने अपना गैस का उत्पादन बढ़ा दिया है। इस कदम को रूस को चुनौती देने वाला बताया जा रहा है। 4% से ज्यादा उत्पादन होने से यूक्रेन की कमाई बढ़ सकती है। रूस ने खारकीव में 24 लोगों को मार दिया। खारकीव के गवर्नर ने दावा किया कि इस हमले में 13 बच्चे भी मारे गए हैं। रूस ने लाइमैन शहर छोड़ने का दावा किया। यहां से उसके सैनिकों ने वापसी करना शुरू कर दिया है। रूस को यहां घेरेबंदी का खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यहूदी नववर्ष का पर्व मनाया। कोविड-19 के बाद व्हाइट हाउस में पहली बार इस त्यौहार का आयोजन किया गया। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेदा के कलेक्शन ने किया निराश। दूसरे दिन 12,70,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। मणिरत्नम की पीरियड ड्रामा पोनिनियम सेल्वन 1 की जबरदस्त शुरुआत। रिलीज के पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई। साउथ बनाम बॉलीवुड फिल्मों पर चल रही बहस पर बोले सलमान खान, कहा साउथ की फिल्मों को पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है लेकिन बॉलीवुड फिल्में साउथ में संघर्ष करती हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने शेयर किया अपनी दुबई ट्रिप का वीडियो। दुबई के टर्किश रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ नजर आए। अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज डेट बदली, अब अगले साल 17 फरवरी को रिलीज होगी। अजय देवगन ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। गुजरात में नवरात्रि में गरबा की धूम, वडोदरा मेला ग्राउंड में जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। इस वीडियो में 7 लड़कियां सड़क पर उछल कूद कर डांस करती नजर आती हैं लेकिन तभी अचानक सिंक होल फट जाता है और उनमें से कुछ उसमें गिर जाती हैं।
जब बाघ पेड़ पर बंदर का शिकार करने चढ़ता है तब बंदर ऐसा कुछ करता है कि टाइगर पीछे पेड़ से नीचे गिर जाता है। छोटे छोटे बूट्स और रेनकोट पहने बारिश का आनंद ले रहा है ये बुलडॉग। तेज रफ्तार ट्रक के आगे अचानक से आ गया बच्चा, देखिए ये दिल दहला देने वाला था। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। भीड़ से भरे रेस्टोरेंट में एक महिला 15 से ज्यादा बियर ग्लास सर्व कर रही है। लोग इस वीडियो को जमकर पसंद कर रहे हैं। छोटा बच्चा पढ़ाई का विरोध करते हुए पढ़ने से इनकार कर रहा है, इसकी वजह सुनकर हंस पड़ेंगे आप। यहाँ पर मतवाले हाथी के लिए कोई ट्रैफिक नियम नहीं है। ये हाथी बिना किसी डर के रेलवे फाटक को पार कर रहा है। सड़क हादसे से बचाने के लिए शख्स ने सांप की मदद की, सड़क से उठाकर उसे एक तरफ कर दिया। केदारनाथ के पास आए एवलॉन्च का वीडियो सामने आया। कुछ दिन पहले आए इस एवलॉन्च से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमृतसर पहुंचे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर के किए दर्शन। दो हिस्सों में टूट कर पट गया ट्रैक्टर, ड्राइवर के हाथ में रह गया स्टीयर। हमका पता रहा है।